हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस आज हम लोग यहां पर अपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 है जो हमारे बायोलॉजी का, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो इस वाले चैप्टर को हम लोग यहां पर आज डिटेल में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक का, ये हमारा सेकेंड नंबर वाला पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 4 आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा एंड माय नेम इज प्रशांत। आप सब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। गाइज इसके पहले वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि आप सब जाओ और पहले उस पार्ट को देख करके आओ, क्योंकि अगर आप उस पार्ट को देखे बिना यहाँ पे एंट्री मारोगे तो शायद आपको कुछ भी नहीं समझेगा। द रीज़न इज दैट कि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स बताई थी कि इस चैप्टर को कैसे कवर करना है, किस तरीके से फ्लो चार्ट आपको कवर करना है, किस तरीके से कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बारे में मैंने आपको समझाया था, कौन से तरीकों से आप बिना पढ़े 7 पॉइंट लिख सकते हो। 7 पॉइंट्स यू कैन राइट विदाउट रीडिंग एनीथिंग, विदाउट स्टडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया था यार, बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना दिमाग लगाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था बहुत सी चीज़ें किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। हमने क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो है इसे भी हमने ध्यान से पढ़ा था। इन सारे के सारे पांचों टाइप्स को, उनके अंदर के सब टॉपिक्स को भी हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ा था। हमने इस फ्लो चार्ट को याद किया था, फिर उसके बाद हमने कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बारे में डिटेल में जाना था। फिर हमने एनिमल बॉडी प्लान के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप के एनिमल बॉडी प्लान पढ़े थे, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो तीनों टाइप के बॉडी प्लान्स को मैंने डिटेल में आपको समझाया था, आई होप आपको ये याद होगा। फिर उसके बाद गाइज हमने इस फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके किस तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम दे सकते हो, ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइज हमने अच्छे से यहाँ पे डिटेल में पढ़ा था, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में किया था। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एनिमल क्लासिफिकेशन के इस टॉपिक को, मतलब कि अब यहाँ से चैप्टर की जो फाइलम वाली शुरुआत है, तो चैप्टर्स के फाइलम की शुरुआत अब होती है गाइस। जैसे कि अब फाइलम पॉरीफेरा बोल दिया, तो आपको 7 पॉइंट प्रीवियस ट्रिक में मैंने ऑलरेडी बताए थे, प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देख लो। मैं उसको रिवाइज यहाँ नहीं करा सकता क्योंकि पूरे 30 मिनट में मैंने ट्रिक्स बताई थी, तो पूरे 30 मिनट तक तो मैं पढ़ा नहीं सकता। अब यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इस बात को समझ के रखो। तो एनिमल क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को अभी हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे से करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर को अभी हम यहाँ पे पूरा कवर कर रहे होंगे अच्छे से। तो फाइलम पॉरीफेरा पहला फाइलम है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में जा करके ओपन कर लेना, वहाँ से मैंने ये प्रॉपर नोट्स बनाई है। बस इतना एग्जाम में लिख दोगे और ये डायग्राम्स लिख कर दोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे मैंने इस जैसे फाइलम पॉरीफेरा बोला, तो जो फाइलम पॉरीफेरा है तो ये किसके अंदर आता है, तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है ये हमारा फाइलम कॉर्डेटा है क्या, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। चैप्टर पार्ट नंबर 1 इसके पहले की वीडियो में, इस चैप्टर की जो पहले की वीडियो थी उसे जाके देख लो ढूंढ के फटाफट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट है इसके अंदर 10 फाइलम थे और एक फाइलम फाइलम कॉर्डेटा जो कि सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, तो टोटल 11 फाइलम होते हैं, तो जिसमें से एक फाइलम कॉर्डेटा को याद करो, बाकी याद ही मत करो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा फाइलम है जो फाइलम कॉर्डेटा है, जो कि सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, बाकी के सारे फाइलम तो नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं ना, समझ में आई मेरी बातें? तो इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे के सारे फाइलम, जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा, तो ये खुद सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है। तो हमने क्या पढ़ा था ट्रिक्स के हिसाब से कि फाइलम पॉरीफेरा पहली बात बिलोंग्स टू सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, इन दिस सब किंगडम नॉन कॉर्डेट हमने पढ़ा था कि बॉडी इज नॉट सपोर्टेड विद नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल फैसिलिट इज अब्सेंट, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड एंड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल साइड। ये बन गए 1 पॉइंट यहाँ से, 4 पॉइंट यहाँ से, 5 पॉइंट बन गया। फिर दूसरी यहाँ पे आ जाओ, फिर फाइलम पॉरीफेरा, तो फाइलम पॉरीफेरा बिलोंग हैविंग बॉडी कैविटी ऑफ असिलोमेट, फाइलम पॉरीफेरा हैविंग बॉडी सिमेट्री ऑफ असिमेट्रिकल बॉडी, फाइलम पॉरीफेरा हैज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर ग्रेड।
तो 3 पॉइंट यहां से, तो 5 3 8 पॉइंट हो गए, है ना। तो 8 पॉइंट एग्जाम में लिखना है तुम्हें। अब आप बोलोगे कि सारे के सारे सेम ही लिखेंगे क्या आंसर जो वहां पे पूरे 10 फाइलम है? तो भाई कोई एग्जाम में एक ही फाइलम आएगा, सारे के सारे नहीं आएंगे, तो सेम आंसर कैसे हुआ? एक ही फाइलम आएगा ना, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, खुद का भी दिमाग थोड़ा चलाओ, हमेशा क्या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो इस बात को समझ के रखो। तो फाइलम पॉरीफेरा जो है, तो फाइलम पॉरीफेरा की बातें अच्छे से याद रखो, 8 पॉइंट उसी ट्रिक से लिख पाओगे। अब बाकी चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, मैंने टेक्स्ट बुक से लिखा है सारी चीजें। तो फाइलम पॉरीफेरा इसका मतलब समझते हैं, पॉरी का मतलब होता है पोर्स, ये 9वां पॉइंट हो गया, लिखना चाहो तो लिख देना पोर्स, एंड फेरा मीन यहाँ पे पोर्स यानी होल होता है, गड्ढे छिद्र, छोटे छोटे गड्ढे बॉडी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो छोटे छोटे एकदम यहाँ पे गड्ढे प्रेजेंट हैं, ये पूरी बॉडी में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है। तो ये स्पॉन्जीस या फिर साइकोन कह सकते हो, तो ये साइकोन की बॉडी है, और जो साइकोन है ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल है हमारे फाइलम पॉरीफेरा का। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहते हैं ये। मैं आप सबको बता दूँ सारे नॉन कॉर्डेट वाले फाइलम पानी में ही रहते हैं, एक आध दो को छोड़ के, आर्थ्रोपोडा वगैरह को छोड़ के। दीज आर एक्वेटिक एनिमल, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मरीन और फ्रेश वाटर। मरीन वाटर का मतलब होता है जिसमें नमकीन पानी हो, थोड़ा पानी वाला वाटर, तो मरीन या फ्रेश मतलब फ्रेश वाटर जिसको हम पीते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस मतलब एग्जाम्पल है बेस्ट। मोस्ट ऑफ देम हैव असिमेट्रिकल बॉडी, असिमेट्रिकल बॉडी का मतलब होता है जिसकी बॉडी में सिमेट्री नहीं होती। अब जैसे कि अगर मैं अपने बॉडी की बात करूं, तो हम सब इंसानों की बॉडी में ऐसे यहां से लाइनें रहती हैं, आप सबको इतना तो मालूम ही होगा, है ना। तो इतना हमारे हमारे सबकी बॉडी में यहां से एक लाइन होती है, ऐसे यहां से एक लाइन होती है, ठीक है। इस बात कैसे आप देखोगे ना यहां से, तो ऐसे यहां से एक सेंटर से एक लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो जो ये लाइन है ना एग्जैक्टली, तो ये लाइन को हम जिसके पास होती है उसे हम कहते हैं कि इसकी बॉडी सिमेट्रिकल है, और जिसके पास लाइन नहीं होती उसे हम कहते हैं कि इसकी बॉडी असिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ के रखना है, तो इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स विद लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर्स, तो थोड़े थोड़े, देखो यहाँ पे लेबर्स दिखाता हूँ, देखो ये छोटे छोटे हैं ना जो दीज आर द लेबर्स, ठीक है, इतना समझ के रखना अच्छे से। अब आगे निकलते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दो, हैज दीज बॉडीज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, इनकी बॉडी सेडेंटरी एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये कैसे भी जिंदा रह सकते हैं पानी वगैरह के अंदर, और इसके अंदर स्पॉन्जो सील होता है। देखो कभी भी SOEL वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्जी के पीछे सील होता है, मतलब सियोल का मतलब होता है, इसे सील पढ़ सकते हो, COEL सील, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खाली जगह, तो स्पॉन्जीज के पास खाली जगह होती है, यही यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, इनके पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है, इस बात को समझ के रखो। तो ये हमारा फाइलम पॉरीफेरा खत्म हो गया। तो इतने सारे पॉइंट इसकी नोट्स में आपको दे दूंगा, ये सब थियोरेटिकल है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है यार, क्या पढ़ाने का इसमें, ट्रिक बता दिया ना, सारे क्वेश्चन सारे फाइलम का वही 7-8 पॉइंट लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा, एग्जाम में कोई एक ही फाइलम आएगा, सारे नहीं आएंगे। चलो तो ये जो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे दिया है ना, ये कंप्लीट यहाँ पे जो डेटा दिया है, यही सेम डेटा को चाहो तो आप पढ़ सकते हो, या तो जो मैंने ट्रिक बताई है उसे भी पढ़ सकते हो, ये सेम चीजें क्लास 10th से हैं आपकी, और क्लास 11th में भी सेम चीजें लिखी हुई हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा डन, चलो नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं, फाइलम नाइडेरिया, आज हम पूरे फाइलम खत्म करेंगे, ठीक है। तो फाइलम नाइडेरिया की अब बात करेंगे। गाइज आप सबको बता दूं, आपकी बुक में लिखा नहीं है, बट फाइलम जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि फाइलम नाइडेरिया का दूसरा नाम सिलेंटरेटा भी है। आज से अगर आप 6 साल पहले पढ़ाई करते ना बायोलॉजी की, तो उसमें फाइलम सिलेंटरेटा लिखा हुआ मिला दिखाई देता, अभी नया नाम दे दिया इन्होंने, नाइडेरिया कह दिया है, तो फाइलम नाइडेरिया का ही दूसरा नाम फाइलम सिलेंटरेटा भी है। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि फाइलम नाइडेरिया इज ऑल्सो नोन एज फाइलम सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा का मतलब क्या है कि फाइलम नाइडेरिया एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, सिलिंड्रिकल इन शेप होंगे, मतलब सभी की बॉडी सिलिंड्रिकल शेप में रहेगी, सभी जितने भी फाइलम्स हैं सभी की बॉडी एक सिलिंड्रिकल शेप में होगी, इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो इनकी बॉडी कैसी रहेगी, सिलिंड्रिकल शेप में रहेगी, ये बात आप लोग जान के रख लो अच्छे से। तो फाइलम नाइडेरिया के अंदर जितनी भी बॉडी है सभी की सभी कैसी रहेगी, सिलिंड्रिकल शेप में रहेगी। अब देख लो जैसे कि यहाँ पे आप देख लो हाइड्रा की बात करते हैं, तो ये हाइड्रा की खुद की बॉडी है कि नहीं सिलिंड्रिकल शेप में, है ना सिलिंड्रिकल शेप में, तो हाइड्रा भी हमारा फाइलम नाइडेरिया के अंदर आता है। हमने साइंस 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, अभी भी जाओ आप पेज नंबर 65 और 66 समथिंग पेज नंबर में राइट साइड में फाइलम नाइडेरिया आपको यही डायग्राम देखने मिलेगी, वहां पर भी
जाके चाहे देख लो। आपकी 11th की बुक में भी यही हाइड्रा का एग्जांपल दिया है, थोड़ी डायग्राम अलग होगी, मैंने अच्छी डायग्राम आपको दी है। इनकी बॉडी जो होती है बेसिकली अम्ब्रेला लाइक होती है, आप देख लो इनकी बॉडी कैसी अम्ब्रेला लाइक है। अब इतना समझते जाऊंगा, याद करते जाना इस पॉइंट को। बाकी तो ये फाइलम नाइडेरिया भी आपको 7 पॉइंट फिक्स है। फाइलम नाइडेरिया इज ऑल्सो बिलोंग्स टू फाइलम नॉन कॉरेटा, हार्ट इज अब्सेंट एंड ऑल्सो फेरेंजियल गिल सिसिलिट इज अब्सेंट। देन फिर आप इस वाले पॉइंट से भी आप लिख सकते हो फाइलम नाइडेरिया की बॉडी कैविटी इज असिलोमेट, बॉडी सिमेट्री इज रेडियल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू ऑर्गन। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, तो ये भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल इज हाइड्रा, इतना लिखोगे फुल मार्क्स, कोई नहीं नंबर काट सकता, लिख के ले लो, चाहे तो टर्म वन में लिख के देख लेना। तो मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, मरीन वाटर में रहते हैं, फ्यू ऑफ आर फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक और असिमेट्रिकल होती है, रेडियल सिमेट्री, रेडियली असिमेट्रिकल बॉडी होती है, बताया ना रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ये दीज आर प्रोटेक्शन, मतलब जो बेसिकली टेंटेकल्स यहाँ पे लगे ना, देखो टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स बेसिकली पॉइजनस होते हैं, और ये टेंटेकल्स जो हाइड्रा के ऊपर प्रेजेंट है ना, ये टेंटेकल्स पॉइजनस हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप नाम याद रख लो एग्जांपल्स में, हाइड्रा, एडेम्सिया, देन फिर एडेम्सिया को सी एनेमोन भी कहते हैं, नाम है ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स का, फायसेलिया, फिर पोर्चुगीज में मैन ऑफ वॉर ऐसा इसका मीनिंग है, ऑरेलिया, जेलीफिश, कोरल्स, ये सब नाम है इन ऑर्गेनिजम्स का जो फाइलम नाइडेरिया के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइलम नाइडेरिया का इन्फॉर्मेशन भी खत्म हुआ, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट टॉपिक है ये, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये कुछ ऐसा चैप्टर है, इसको किसी भी टीचर से तुम पढ़ लेना, मेरी ट्रिक्स याद रखोगे तो फायदे में रहोगे भाई और अगर ट्रिक्स याद नहीं रखोगे तो फिर गए काम से। तो वो फ्लो चार्ट्स और वो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का जो पार्ट वन में ट्रिक्स बताया ना, उसको याद करके आने का इधर, तो वो सब पॉइंट यहाँ ठोक के लिख दोगे, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स काट नहीं सकता। और ट्वेल्थ में ये चैप्टर है ही नहीं, तो इलेवेंथ में छुटकारा पाना है, ट्रिक्स याद रखो, काम 25 आपका जो बता रहा हूँ ध्यान रखो, वरना पढ़ते पढ़ते नानी याद आ जाएगी, इतना सारा पढ़ोगे तो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, सब इन्फॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जांपल बोल दिया कि डिस्क्राइब प्रशांत तिवारी, तो क्या बताओगे, प्रशांत तिवारी के बाल बहुत सिल्की हैं जो स्किन है वो नॉर्मल है, ज़्यादा गोरी नहीं है, ज़्यादा काली भी नहीं है, नीला कपड़ा पहना है, अंदर देखो अंदर माला पहनता है, इधर देखो ये और ऐसा निकाल लू क्या बाहर, अच्छा नहीं लगेगा ना, टपोरी लगेगा मैं ये देखो, ए भाई क्या बोलता है बंठा, इधर कड़ा विड़ा भी पहनता है, और क्या क्या बताओगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस हो गई ना, दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू मी। सो सेम थिंग नाइडेरिया से रिलेटेड कैरेक्टर की, ये मरीन वाटर में रहते हैं, इनकी बॉडी में टेंटेकल्स होते हैं, पॉइजनस रहते हैं, एग्जाम्पल है हाइड्रा, सिलेंड्रेटा सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और क्या बताओगे, यही तो इन्फॉर्मेशन रहती है। चलो अब फाइलम सिटनोफेरा के बारे में पढ़ते हैं। गाइज ये क्लास 10th में नहीं था तुम्हारे साथ, ये नया फाइलम है, नाम अलग है बस। तो फाइलम सिटेनोफेरा, सिटेनोफेरा, कोई कोई इसे सी साइलेंट बोल के टेनोफेरा भी पढ़ते हैं, तो तुम्हारे ऊपर है, जो पढ़ना है पढ़ो, स्पेलिंग करेक्ट लिखना एग्जाम में बस। तो फाइलम सिटेनोफेरा, तो फाइलम सिटेनोफेरा बेसिकली क्या होती है, एग्जैक्टली कैसी है, तो तुम ये भी एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहते हैं, और ये कॉम्ब जेलीज का नाम आपने सुना होगा, या सी वॉलनट्स, ये सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेली गूगल में सर्च करना, ये ऑर्गेनिजम्स का नाम है। तो ये बेसिकली जितने भी होते हैं ये फाइलम सिटनोफेरा के अंदर आते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बताया ना एक्वेटिक एनिमल, मतलब खारे पानी में रहते हैं, फ्री स्विमिंग एनिमल्स, मस्त स्विमिंग करते हैं, ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। चलो अब आगे निकलते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान देना। तो बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री एंड विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान तो आपको मालूम ही होगा, डाइजेशन, इंजेशन, ईजेशन, पहला पार्ट में सब समझाया था तीनों चीजें, और रेडियली सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री तीन प्रकार की थी ना, थ्री टाइप की सिमेट्री थी, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड रेडियल सिमेट्री, तीन टाइप की सिमेट्री थी। क्लास 10th में भी पढ़ा था ये चीज, साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th में, और अभी अभी भी बताया था पहले वाले पार्ट 1 में। तो रेडियल सिमेट्री तीन टाइप की, चलो दिखा भी देता हूं ना, बार बार दिखाते चलूंगा तो आपको याद होता रहेगा। देखो यहाँ पे, तो ये देखो बॉडी सिमेट्री, तीन टाइप की बॉडी सिमेट्री होती है, इस बात को ध्यान से अच्छे से रख लो, अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, तो बॉडी सिमेट्री तीन टाइप की है। अब डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही लेयर होती है, डाई मतलब यहाँ पे क्या रहता है, डाई मतलब टू, डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक मतलब लेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पे, एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो मालूम रहेगा ना, टिश्यू लेवल मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ टिश्यू एग्जैक्टली क्रिएट होते हैं, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन।
लोकोमोशन यानी मूवमेंट, तो ये मूवमेंट भी करते हैं। अब सिंपल सी बात है ना, जेली फिश तो या मूवमेंट ही करेगी ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो होते हैं वो एट, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सिटेन ऑफ फोर्स इज बाय ल्यूमिनेसेंस, मतलब बायो ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है, ल्यूमिनेसेंस का मतलब है लाइट इमिट करना। तो ये बाहर लाइट को छोड़ते हैं, बाहर लाइट एमिट करते हैं, जिनकी शरीर से लाइट निकलती है, लाइट वाली फिश बायो इल्यूमिनेसेंस होता है। लाइक नाइडेरियंस सिटनोफेरा आल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे फाइलम नाइडेरिया, आपको याद होना चाहिए कि ब्लाइंड बॉडी सैक प्लांट जो था उसको फाइलम नाइडेरिया ही तो फॉलो कर रहा था, भूल गए क्या? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो फाइलम नाइडेरिया ही तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट को फॉलो करता है, और जिसके अंदर डाइजेशन, इजेशन और इंजेशन तीनों चीजें होती हैं। तो याद रखने का, अरे बाबा भूलने का नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो इस बात को समझ के रखो अच्छे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में समझ रखो। लाइक नाइडेरियंस जो होते हैं सिटनोफेरा आल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रेस्पिरेशन सेक्सुअल, ठीक है, और नाइडोब्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है इनमें और अब्सेंट भी रहता है। तो ये बेसिकली नाइडेरियंस जैसे ही है, जैसे नाइडेरिया के अंदर सारे फ्लावर प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वैसे ही इसमें भी हैं। आगे बढ़ते चलो, फाइलम प्लैटी हेलमिंथस की अब बात करेंगे। तो प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट एंड हेलमिंथस मतलब वर्म। तो हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म एंड प्लैटी मतलब होता है फ्लैट। तो आपने साइंस चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 क्लास 10th में पढ़ा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रीजनरेशन वाला टॉपिक। इस रीजनरेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि प्लानेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन करता है, कहीं से काट दो वहीं से पैदा हो जाएगा। तो बस यस, वही प्लानेरिया जो है ये फ्लैटी हेलमिंथस को बिलोंग करता है। तो फ्लैटी हेलमिंथस की जो बॉडी होती है स्लेंडर एंड फ्लैट, स्लेंडर पतली एंड फ्लैट होती है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। एकदम पत्तियों जैसी होती है, लीफ, लीफ के जैसा ये फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये फ्लैट वर्म है एग्जैक्टली, ठीक है, इस बात को समझ लो। जितने भी यहाँ पे एनिमल है ये इंडो पैरासाइटिक है, मतलब ये किसी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट मतलब जो होस्ट बनाता हो, जिंदा रहने के लिए किसी के दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करता हो, उसे पैरासाइट कहा जाता है। तो इंडो पैरासाइट का मतलब क्या, कि एक ऐसा एनिमल जो किसी के अंदर की बॉडी का इस्तेमाल करता हो खुद को जिंदा रखने के लिए, इसे होस्ट कहते हैं, होस्ट बनाता है ये। होस्ट मतलब वो जो इसको एनर्जी देता है, जिससे ये एनर्जी चूस लेता है। तो इंडो पैरासाइट होते हैं ये, और ये फ्री लिविंग है, बिंदास रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल है। फ्री लिविंग का मतलब बिंदास रहते हैं, फ्री लिविंग मतलब फ्रीली किधर भी रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं ये। बॉडी असिलोमेट है। अब प्लैटी हेलमिंथस है तो वही टेबल, अब असिलोमेट बिसिलोमेट कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। प्लैटी हेलमिंथस देखो, असिलोमेट बॉडी कैविटी जो वहाँ लिखा है वही यहाँ भी है, एंड बायलेटरल सिमेट्री एंड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। तो जो बता रहा हूँ वही चीज है, बस दिमाग से थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीन लेयर होती है इनमें, तीनों लेयर मतलब कौन कौन सी लेयर, यहाँ पे सबसे पहले इंडोडम अंदर वाली, मीसोडम बीच वाली, मीडियम वाली, मिडल वाली, एंड बाहर वाली एक्टोडम, बाहर वाली, एक्टो मतलब बाहर। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ये, देखो लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है चलो आगे बढ़। दीज एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट उसे कहते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं प्रशांत हूँ, फिलहाल आई एम अ मेल ह्यूमन बीइंग, बट अगर तुम कहो कि मैं हर्माफ्रोडाइट हूँ तो मेरे पास मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोड्यूस सिस्टम मेरे पास रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है यार। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके पास मेल और फीमेल दोनों की बॉडी उसी के पास है, मतलब क्या जिंदगी है, वाह। चलो ठीक है, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया लिवर फ्लूक एंड टैप वर्म, हर्माफ्रोडाइट। हम इंसानों में ऐसा नहीं होता, हम इंसानों में सिर्फ मेल वाले के पास मेल, फीमेल वाले के पास फीमेल, ऐसा है। लेकिन ये भाई बड़े गजब है यार, मतलब दोनों सिस्टम, अरे वाह यार, वाह, अरे जियो हो बिहार के लाला। बिहार के हैं ये। Hey, I am not from Bihar, I am from Madhya Pradesh, that is MP, living in Mumbai, Thane. Okay, तो phylum Ascalminthus की चलो बात करते हैं। मैं ठाणे में रहता हूँ, मुंबई के ठाणे में, ठाणे मानपाड़ा, किसी को पता होगा तो मालूम होगा, मानपाड़ा ठाणे में, मानपाड़ा है मुंबई में। तो phylum Ascalminthus की चलो बात करते हैं अभी। phylum Ascalminthus
तो अब देखो पहले आपको कुछ पॉइंट दिखा के लाता हूँ, फिर यहीं पे पढ़ाऊंगा, वही बार बार तो पढ़ना है। एस्केल्मिंथस के अंदर बॉडी कैविटी कौन सी है? सुडोसिलोमेट है, और पी यहाँ पे साइलेंट है। अब एस्केल्मिंथस के अंदर बायलेटरल सिमेट्री एंड टिश्यू ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए अब यही चीज यहाँ आपको देखने भी मिलेगी, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है वही देखने भी मिलेगा। तो देखो अभी फाइलम एस्केल्मिंथस की बात कर रही है, तो फाइलम एस्केल्मिंथस में क्या होता है कि देखो बॉडी एक लॉन्ग और थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप में, लॉन्ग मतलब बड़ी और थ्रेड लाइक लंबी, एक धागे की तरह बड़ी सी और थ्रेड लाइक होती है बॉडी एस्केल्मिंथस में, ठीक है। चलो तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक और अ सिलेंड्रिकल शेप में होती है, hence they are called round worms। इसीलिए इनको अब देखो cylindrical shape में है तो गोल गोल round worm रहेगा इनमें। तो ये Escalminthus के अंदर ये section ऐसा section है जिसके अंदर जितने भी animal आएंगे सभी की body गोल गोल रहेगी और long long रहेगी। अब Escalminthus में male female दोनों होते हैं, हाँ इसमें hermaphrodite नहीं है, male अलग female अलग। देखो ये बेचारे लोग बहुत खराब हैं, male female अलग अलग है यार, धट तरीके। अगर हर्माफ्रोडाइट रहो तो भाई बहुत अच्छा है। तुम लोग भगवान से मनाना, नेक्स्ट टाइम तुमको हर्माफ्रोडाइट बनाने को। ठीक है तो कमेंट बॉक्स में बताओ जरा कितने लोग को हर्माफ्रोडाइट बनने का है। चलो यहाँ देखो, तो एनिमल्स इन दी फाइलम एस्केल्मिंथस, एनिमल्स इन दी फाइलम एस्केल्मिंथस एस्केल्मिंथस फाइलम एक सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे जरा समझते हैं, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हैंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स, हैंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। इस बात को समझना, क्योंकि अब लॉन्ग सिलेंड्रिकल है तो राउंड वर्म ही रहेंगे ना, इट्स अ सो सिंपल कॉन्सेप्ट, इस बात को समझ के रखना। दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब कि किसी के बॉडी के अंदर जाके ये उसके एनर्जी लेते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और होस्ट बनाते हैं उसे अपना, अंदर वाली चीज को। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, या तो ये एक्वेटिक है या तो ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है इस बात को समझना। गाइस मैं जानती हूँ कैसे मैं यहाँ पे वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से देखो ये है, अभी देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ना कि बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सुडोसिलोमेट। अब समझा आपको कैसे वीडियो बन रहा है? यस, तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सुडोसिलोमेट। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर, हम इंसानों की भी चमड़ी में तीन लेयर होता है, बाहर की एक्टोडर्म, बीच वाली मीसोडर्म और उसके अंदर वाली कैसा तोड़ के दिखा दूं क्या? तो जो एकदम अंदर वाली है, अंदर वाली बाहर वाली, अंदर वाली बाहर वाली को एक्टोडर्म, बीच वाली को मीसोडर्म, अंदर वाली को एंडोडर्म, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन ब्लास्ट है इसमें, तीन ब्लास्ट मतलब लेयर, तीन लेयर। सुडोसिलोमेट मतलब पूरा कैविटी रहती है, जैसे कि ये बाहर की लेयर है और उसके बीच वाली मिडल लेयर है, तो बाहर वाले और बीच वाली लेयर के बीच में, ये बाहर की लेयर, ये मिडल लेयर, तो इसके बीच में गैप रहेगा, उसे कहते हैं सुडोसिलोमेट। सियोलोमेट का मतलब होता है कैविटी, खाली जगह, सुडो मतलब एकदम पूरा खाली जगह। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विद द टफ क्यूटिकल, तो बॉडी बहुत ही नॉन सेगमेंटेड है, जैसे कि आपने देखा रहेगा अर्थवर्म की बॉडी ऐसे ऐसे सेगमेंटेड होती है, बट इनकी बॉडी में एकदम पूरी प्लेन है विदाउट एनी सेगमेंट, इस बात को समझना। और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स। तो यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेक्स वाली होती है, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, मेल है तो मेल के पास उसका सेक्स ऑर्गन रहेगा और फीमेल है तो फीमेल के पास उसका सेक्स ऑर्गन रहेगा, दैट्स इट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल एस्कैरिस याद रखना, ठीक है, एस्कैरिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सो यू मस्ट हैव टू लर्न दिस वन, ठीक है। चलो इसे आप लोग अच्छे से याद रखो। चलिए तो एस्कैरिस ये इसका बेस्ट एंड प्रॉपर एग्जांपल है, इसे आप लोग को अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, और जो फाइलम हमारा ऑर्थ्रोपोडा है ये बहुत ही प्यारा फाइलम है यार, मतलब बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पे पढ़ने में। ऑर्थ्रोपोडा एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर वही एनिमल आएंगे, वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी बॉडी में लेग्स, उनके पैर में ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट
चलो ज्वाइंट दिखाता हूँ क्या बोलना है भाई ज्वाइंट का मतलब। ये देखो, ये कॉकरोच को देखो ध्यान से, ये देखो ये इस तरह से इसके बॉडी में ज्वाइंट है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? इसके पैरों में ज्वाइंट होना मांगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसकी बॉडी में ज्वाइंट्स हैं वही वाले एनिमल्स यहाँ पे आते हैं। इस बेसिस पे इस फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को बनाया गया। एंड यू विल नॉट बिलीव यार, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्शन है ये। इस फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आते हैं। क्या होता है, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। मतलब सारे बोले तो बहुत ज्यादा एनिमल, सारे के सारे ऑल 100% नहीं, बट बहुत से एनिमल, बहुत बड़ा लार्जेस्ट एनिमल है, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है ये। तो दीज एनिमल्स हैव जॉइंट अपेंडेजेस, मतलब पैर, हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्थ्रोपोड्स। प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम दिस फाइलम। अरे बाप रे, मतलब सांप ने बिच्छू, कॉकरोच, चींटी, चींटियां तो कितनी सारी हैं दुनिया में, चींटियों की प्रजाति बहुत है, इंसानों से अधिक चींटियां हैं इस दुनिया में। तो चींटियां वगैरह सब कुछ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत से एनिमल आते हैं। हेंस दिस इज लार्ज फाइलम विद हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन द एनिमल किंगडम। वाओ, दीज एनिमल्स आर फॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, रेजिन्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू हाईएस्ट माउंटेन। समुद्र के अंदर भी ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको जॉइंट्स होता है। एक्वेटिक और माउंटेन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी इसी ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, बस अब जिसमें जॉइंट हो वही। बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री एंड सेगमेंटेड बॉडी होती है। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। चिटिनियस का मतलब होता है कि प्रोटेनियस लेयर, एक लेयर चमड़ी बाहर की, उसी को कहते हैं। एग्जाम्पल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मेलीपेड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब यार कीड़े मकोड़े सब ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये बिच्छू भी, कितनी प्यारी बिच्छू है रे बाबा, बिच्छू। चलो तो आगे निकलते हैं, फाइलम एनेलिडा की अब बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो अच्छे से, फाइलम एनेलिडा में देखते क्या होता है। तो फाइलम एनेलिडा ऑर्थ्रोपोडा की बात आता है, वो सारे पॉइंट आप यहाँ ठोक सकते हो, अपना ट्रिक याद रखने का, ये सब भी लिख दो कि अच्छी बात है। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकल सेगमेंटेड। मेटामेरिकली मतलब बाहर से, जैसे ये मेरी स्किन दिख रही होगी आप लोग को, ध्यान से देखो ये मेरी स्किन है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरी स्किन मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये मेरी स्किन जो है ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली मतलब बाहर से, बाहर से सेगमेंट होना, जैसे कि ऐसा ऐसा बाहर से सेगमेंट यहाँ पे कर दो, तो मेटामेरिकली का मतलब होता है बाहर से। सिलेंड्रिकल मतलब गोल गोल। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सिलेंड्रिकल मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फ्री लिविंग। सब के सब तो फ्री लिविंग है, एक टॉपिक ठोक दो सब में फ्री लिविंग। फ्यू आर एक्टो पैरासाइट, ये एक्टो है, बाकी सब इंडो थे। तो एक्टो मतलब बाहर से, ये किसी बाहर को अपना होस्ट बनाता है, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म किसी बॉडी के अंदर घुस के जिंदा रहता है क्या? नहीं, अर्थवर्म जमीन की मिट्टी में से कुछ ना कुछ करके जिंदा रहता है। तो फ्री लिविंग एनिमल है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर, बायलेटरल सिमेट्री, यूसिलोमेट, वो टेबल से आ जाएगा। दिस इज दी देयर बॉडी इज स्पेशल क्यूटिकल, बाहर एक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्यूटिकल से, तो एनस हो गया, क्यूटिकल यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहता है। अर्थवर्म, लीच, नरीस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आप ध्यान रखो। देखो सेगमेंट दिखाता हूँ, देखो ये सेगमेंट, ये सेगमेंट मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बाहर से सेगमेंट है बॉडी में, तुमको बाहर से ही देख के समझ में आ जाएगा कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइलम मोलिस्का की अब बात करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम था जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनिमल आते थे। जो फाइलम मोलिस्का है ये दुनिया का सबसे सेकंड बड़ा फाइलम है। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ए सॉफ्ट स्लिमी, आई है, हेंस दे आर रेफर्ड एज अ मोलिस्क, सॉफ्ट स्लिम। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ए सॉफ्ट एंड स्लिम। एक बार और पढ़ दो क्या? बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज अ सॉफ्ट एंड स्लिम, द रीजन इज दैट जल परियां यहीं होती हैं। तो जितनी भी जल परी हैं सब यहीं रहती हैं, इसीलिए तो वो लोग सॉफ्ट और स्लिम होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पानी वाले एनिमल है ना, ये जल परा है, ये जल परी नहीं है। इसके तो बहुत सारे पैर हाथ दिख रहा है, इस पे भगवान बचाए भाई। उधर रहे भाई टकलू,
बहुत गंदा जानवर है ये, सोचो अगर आपके पास आ गया तो आपके सर के ऊपर बैठ जाएगा, और चारों तरफ से आठ आठ पैर होते हैं इसको, ऑक्टोपस है। आपको आठों हाथों से खुजली करेगा चारों तरफ, ऊपर टकले में बैठ के ऐसा ऐसा महसूस करोगे, आहा खुजली कर रहा है। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज अ सॉफ्ट एंड स्लिमी, पानी में रहते हैं ना तो स्लिम रहते हैं और सॉफ्ट होते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ये कोई कॉन्सेप्ट है आपका, पढ़ते चलो। दीज एनिमल आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब ये ऑक्टोपस जमीन में भी रेंगता है ऐसी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉलस्क आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो वही इन्फॉर्मेशन हो गई। यू सिलोमेट नॉन सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी, वही लिख देना बार बार। विसरल मास मेंटल, इनकी बॉडी में एकदम ऐसे मास प्रेजेंट होता है, ऐसे मस्कुलर बॉडी। दीज एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल फीमेल इनमें भी होते हैं, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन एक में ही प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो मेल है तो मेल में मेल का सेक्स ऑर्गन, फीमेल है तो फीमेल का सेक्स ऑर्गन, तो इस तरह से इनमें अपने अपने सेक्स ऑर्गन होते हैं। चलो ये सब देख लो, स्पाइसुला, शैटेप्लूरा, पाइला, सेपिया, ये कौन है, ऑक्टोपस, तो ये सब नाम याद रख लो। बाइवेल्व, स्नेल्स, ऑक्टोपस, सब नाम याद रख लो, सबके मैंने नाम यहाँ पे आपको लिख के दे दिए, एक पेज में पूरा मॉलिस्क बताया है, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। इतना ही पॉइंट लिख देना, और या तो फिर जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो ट्रिक्स लिख देना। ये नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट, हार्ट इज अब्सेंट, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल सामने, फिर अपना सेकेंड चार्ट से क्या लिखोगे, सेकेंड चार्ट में तो यही चीज़ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट नॉन सेगमेंटेड, बायलेटरल सिमेट्री, ये सब लिख डालना अच्छे से। चलो नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, फाइलम एकिनोडर्मेटा। तो जो फाइलम एकिनोडर्मेटा, इसके बारे में चलो जानते हैं। तो सबसे पहले कैल्सेरस स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, दीज एनिमल्स हैंस दे आर कॉल्ड एज एकिनोडर्म्स, और ये एनिमल फाउंड इन ओशन, समुद्र में पाए जाते हैं। ये देखो, ये स्टार फिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्टार फिश का नाम तुमने सुना रहेगा, तो ये स्टार फिश भी हमारी ये एकिनोडर्म के अंदर आती है। डर्मा का मतलब होता है लेयर, एकिनोस मीन्स होता है स्पाइंस, कटीली, कटीली बॉडी, मतलब ऐसे 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 कटीला है बॉडी, टिप्पे टिप्पे बरसा पानी, पानी में आग लगानी, टन टन नन नन टन नन टन टन नन टन नन टन टन नन टन टन नन टन टन नन टन टन। तो एकिनोडर्मेटा मतलब स्पाइंस वाली लेयर जिनके पास होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट एंड इट इज रेडियल सिमेट्री, भाई तीन तीन जब से बता बता के दिमाग खराब हो गया, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्रियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, असिलोमेट, वही वही दिमाग, जाओ उधर से पढ़ लो फटाफट, कहाँ से पढ़ लोगे वही टेबल में से जो बताया शुरू शुरू में, बात 20 बार बता चुका हूँ कि अगर इसको याद कर लिए तुमने, अगर तुमने ये याद कर लिया, देखो यही सब लिखा है, वहीं वहीं वहाँ सब आ रहा है, और ये टेबल में देख लो अभी, जैसे कि देखो बताया ना कौन सा, एकिनोडर्मेटा, तो एकिनोडर्मेटा, यूसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री एंड टिश्यू ग्रेड, समझा क्या, खाबी के जैसा 10 है, देख लो। तो समझ लो वही चीज़ है बार बार, अब काहे फोकट में तुमको नहीं आ रहा है, तुम्हारी गलती है, तुम लोग को बुद्धि नहीं है, ट्रिक बताया उसको समझ नहीं रहे हो। तो बायलेटरल सिमेट्री लिखा है ना, बायलेटरल, वहाँ भी बायलेटरल दिखा है ना उस टेबल में, वो टेबल में जो ट्रिक बताया वही यहाँ लिखना है, अब तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें क्या करना है। दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्सेरस स्पाइन, दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, मतलब ये रीजनरेशन करते हैं। स्टार फिश, सी अर्चिन, बिटल, ब्रिटल स्टार्स, सी कुकुम्बर, जो जो पढ़ना है पढ़ लो, इतने सारे नाम है, थोड़ी मेरे को याद रहेगा इतना सारा, किसी टीचर को याद नहीं रहता। फाइलम हेमीकॉर्डेटा की बात करते हैं, फाइलम हेमीकॉर्डेटा भी सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी बॉडी डिफरेंट है। मतलब फाइलम हेमीकॉर्डेटा जो है, ये बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, आप देखते हो, प्रोबोसिस, कुलार एंड ट्रंक, सेम डायग्राम बना के आना, ये है बेलनोग्लोसस और सेकेलोग्लोसस, ये दो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग। तो जो बेलेनोग्लोसस है, इसी का एग्जाम्पल एग्जाम में देना,
तो हेमीकॉर्डेटा के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म जो है इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा है कोलार, तीसरा है ट्रंक। इन तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है, इस बात को ध्यान से अपने बिठा लो दिमाग में। अब आपको बताता हूं इन्हें हेमीकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है, जबकि फाइलम ये जो है, ये फाइलम जो है ये सब किंगडम नॉन कॉर्डेट में आता है। इसे हेमीकॉर्डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब से नॉन कॉर्डेट की प्रजातियां खत्म होने वाली हैं पढ़ाई करने के लिए, अब हम कॉर्डेट में कूदने वाले हैं। तो जिस तरह से हमने शुरू शुरू में जब पढ़ा था बुक का थोड़ा लॉजिक समझो, क्योंकि बुक कैसे बनाई गई है, शुरू शुरू में हमने पॉरीफेरा पढ़ा, फिर नाइडेरिया, फिर उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थस, फिर उसके बाद हमने ऐसे एस्केल्मिन्थस, एक्टिनोडर्मेटा, ये सब पढ़ा ना। ये सब एक्वेटिक एनिमल थे कि नहीं थे, कोई मरीन में, मतलब पानी के एनिमल है, चाहे मरीन में रहें पानी में, चाहे फ्रेश पानी में रहें, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, लैंड में आ रहे हैं हम लोग, तो देखो ऑक्टोपस थोड़ा सा लैंड में भी रहता है। फिर उसके बाद देखो हम अभी हेमीकॉर्डेटा में आ गए, यानी कि अब धीरे धीरे हड्डी आ रही है ऑर्गेनिजम्स में। तो पहले पानी से शुरुआत की गई है, अब हड्डी वाले में आएंगे, अब आगे वर्टिब्रेटा पड़ेंगे जिसमें प्योर हड्डी रहेगी। तो हेमीकॉर्डेटा अभी पानी में ही है, हम पानी के एनिमल ही है, लेकिन पानी के अंदर तो फिश भी रहता है ना, तो वो हड्डी वाले में आएंगे। अभी बिना हड्डियों की बात कर रहे थे, अब फिर हड्डी वाले में फिश में आएंगे, और फिर फिश से लैंड वाले में आएंगे, और फिर मैमेलिया तक पहुंचेंगे। मैमेलिया में हम इंसान आते हैं, और मैमेलिया की स्टडी इसमें नहीं करेंगे, हम अगले चैप्टर से करेंगे, चैप्टर नंबर 5वें में फिर इंसानों की स्टडी होगी, पूरी बायोलॉजी फिर इंसानों की है। चार चैप्टर तक बस यही सब है, फिर 5वें चैप्टर से इंसानों की स्टडी शुरू हो जाएगी, सेल की स्टडी, हमारे बॉडी के अंदर सेल है, उस सेल की स्टडी शुरू हो जाएगी। तो लॉजिक समझ रहे हो, जिसने किताब बनाई कितनी प्यार से बनाई है, सोचो, है ना। तो पहले आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में सिखाया, फिर सिस्टम कैसा होता है, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर प्लांट के बारे में, फिर इस एनिमल की पूरी क्लासिफिकेशन। तो प्लांट एनिमल में भी कैसा, जिनके पास हड्डियां नहीं है वहां से शुरुआत किया, तो पानी के अंदर पहले ऑर्गेनिज्म आया था, तो हड्डियां नहीं थी वहां शुरू किया, फिर पानी के अंदर ही हड्डी वाले पढ़ाएंगे, हड्डी वाले मतलब नोटोकॉर्ड वाले, दैट इज फिशेस के बारे में, फिर फिशेस वगैरह के बाद फिर मैमेलिया में आएंगे हम ह्यूमन बींग्स में, जो कि लैंड में रहते हैं, और फिर टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, फिर सीधा नेक्स्ट टॉपिक हम इंसानों का डिटेल स्टडी, सेल से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, जो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ चैप्टर को कैसे बनाया गया है, आपकी बायोलॉजी क्लास 10th, क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड ने कैसे सेट किया है, तो बहुत अच्छा सेट किया है, सीबीएसई बोर्ड से भी अच्छा है। फाइलम हेमीकॉर्डेटा की बात करते हैं, तो फाइलम हेमीकॉर्डेटा में हेमी मतलब सेमी यानी आधा, तो जो ये पूरी बेलेनोग्लोसेस की बॉडी है, इसकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक, ट्रंक मतलब पूंछ, कोलार मतलब बीच और प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस वाले पार्ट में सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रोबोसिस वाले पार्ट में कॉर्डेट प्रेजेंट रहता है, सिर्फ प्रोबोसिस वाले पार्ट में, बाकी में नहीं होता। तो सिर्फ प्रोबोसिस वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड है, बाकी में नहीं है, इस वजह से इसे हेमीकॉर्डेटा कहा जाता है, क्योंकि आधे ही पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा नोटोकॉर्ड। अब आगे बढ़ते गाइस, जरा यहाँ पे ध्यान देना सारे के सारे बच्चे, अब यहाँ पे जरा समझ के लो सब लोग, अब यहाँ पे जरा समझ के लो, दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉर्नवर्म। एकॉर्न मतलब जो इनकी बॉडी यहाँ पे आधे में नोटोकॉर्ड है, इसी लिए कहते हैं। दीज आर मरीन एनिमल्स लिविंग इन बरोज इन सैंड, सैंड में, मिट्टी में बरोज रहते हैं। दे हैव वन मेनी फेरेंजियल गिल सिसलिट, इनको फेरेंजियल गिल सिसलिट भी है, और दे आर यूनिसेक्सुअल एंड सम ऑफ मे आर हर्माफ्रोडाइट, तो इनमें से कुछ हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल भी हैं। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसेस एंड सेकेलोग्लोसेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पढ़ लेना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो जो ये हेमीकॉर्डेटा है ना, है तो नॉन कॉर्डेट के अंदर, लेकिन स्ट्रक्चर दिखाता है कॉर्डेटा वाले सारे के सारे, तो इसीलिए हम इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा कह सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की स्टडी, कि एग्जैक्टली भाई फाइलम कॉर्डेटा कैसे पढ़ा जाता है। तो याद रखना, ये जो मैंने बना के दिया है आपके किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना तो आपको किसी चैप्टर में, ना ही शायद कोई टीचर देंगे आपको, तो जो इसे ध्यान से एकदम याद कर लो। अब आपको एक बात दिखाता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, आप बोलो कि कहाँ बताया है आपने, देखो मैंने आपको वही चीज़ पूरा सेम बता दिया है, बस मैंने आपको इसको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमने पूरे इन फाइलम की स्टडी कर ली, अब हम सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर फाइलम कॉर्डेटा की स्टडी करने जा रहे हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा में तीन डिवीजन, और उनमें से जो वर्टिब्रेटा है उसके सिर्फ 6 क्लासेस हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पे डिटेल में अच्छे से कर दिया, उसी चीज को अच्छे से यहाँ पे देखो समझाया मैंने, ये देखो
उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से समझाया। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, फाइलम नॉन कॉर्डेट हो गया फाइलम, हाँ नॉन कॉर्डेटा पढ़ के हो गया, जिसके अंदर हमने 10-10 फाइलम पढ़े थे। अब हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर पढ़ेंगे, जहां पे सबसे पहला है ट्यूनिका और यूरोकॉर्डेटा, ये एक डिवीजन है, और फिर उसी तरह से सेफलोकॉर्डेटा दूसरा डिवीजन है, और तीसरा डिवीजन है वर्टिब्रेटा। बट जो वर्टिब्रेटा है इसके दो पार्ट और हैं, एक है अग्नेथोस्टोमेटा एंड एक है नेथोस्टोमेटा। यहाँ पे जो जी है ये हमारा कॉन्स्टेंट है, तो एक है अग्नेथोस्टोमेटा और एक है नेथोस्टोमेटा। अग्नेथो का मतलब जिसके पास ये जॉ नहीं होता, ये जॉ रहती ना जॉ, ये जॉ नहीं होती, नेथोस्टोमेटा में ये जॉ रहती है, समझा, नीचे पे चबाने वाली जॉ। तो आप बताओ जब ये जॉ नहीं है, जैसे कि हम लोग कुछ चबाते हैं जॉ चबाने में काम आता है, चीविंग में, तो जो अग्नेथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ नहीं है वो कैसे चबाते होंगे, चबाते नहीं है वो चूस लेते हैं वो शक करते हैं, शक सकिंग, शक शक मतलब चूस के खाना खाते हैं, निगल जाते हैं सीधे खाने को। तो अग्नेथोस्टोमेटा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा आती है, छह टाइप की क्लास थी जिसमें से एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा अग्नेथोस्टोमेटा में आती है। तो यहाँ पे जो आपने अभी तक पढ़ा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो जो ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा है ये अग्नेथोस्टोमेटा का पार्ट है, और बाकी के सबके सब नेथोस्टोमेटा का पार्ट है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस बात को आपको क्लियर करके रखना है, सोचो ये डिटेल में आप पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे जरा थोड़ा लॉजिक लगाना, अब नेथोस्टोमेटा के अंदर भी दो सुपर क्लासेस हैं। पहली सुपर क्लास है पीसेस, और पीसेस जिन्हें मछलियां वगैरह आती हैं, तो इनके अंदर भी दो टाइप है, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टियोक्थाइस। तो दो तरह की क्लासेस सुपर क्लास पीसेस के अंदर आती है, और एक और सुपर क्लास जिसका नाम है टेट्रापोड। तो इस पूरे टेट्रापोड सुपर क्लास के अंदर तीन तीन चार चार क्लासेस आती हैं। तो एक क्लास तो पीसेस, एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा, दो हो गई, और चार यहां पे हैं, तो छह क्लासेस होती हैं वर्टिब्रेटा में, और इन दोनों में कोई क्लास नहीं होती। तो सब डिवीजन यूरोकॉर्डेटा, डिवीजन सेफलोकॉर्डेटा, इनमें कोई भी क्लास नहीं होती, बट डिवीजन वर्टिब्रेटा में क्लासेस होती है। पहली है अग्नेथो, दूसरी है नेथो। अग्नेथो में साइक्लोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा में पीसेस एंड टेट्रापॉड्स। पीसेस के अंदर दो दो डिवीजन, टेट्रापॉड के अंदर चार चार क्लासेस, ये भी क्लासेस ही है, मतलब कॉन्ड्रिक्थाइस ऑस्टियोथाइस भी क्लासेस। ये सब क्या है आगे डिटेल में बताऊंगा, बस इस फ्लो चार्ट को पढ़ लो। अब शुरुआत से हम यही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम यही पूरा स्टडी करेंगे। हमारा फाइलम 10 खत्म हो गए, अब हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर यही सब पढ़ेंगे। अब पहला टॉपिक आपका यूरोकॉर्डेटा रहेगा, फिर सेफलोकॉर्डेटा, फिर नेथोस्टोमेटा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा, फिर नेथोस्टोमेटा के, फिर नेथोस्टोमेटा के अंदर पीसेस, फिर उसके अंदर ये दोनों टॉपिक, फिर टेट्रापोड, फिर ये दोनों चारों टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म। समझा, यही रहेगा जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो हमने यही पढ़ा था ना पूरा का पूरा। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया का क्राइटेरिया, फिर इसके अंदर ये, तो ये सारे टाइप 10 के 10 हमने टाइप पढ़े, लाइन से पढ़े कि नहीं पढ़े। अब हम ये पढ़ रहे हैं, अब हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। समझा ना, तो जो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाया है मैंने, जो मैंने बना के आपको दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बार जरूर देखना कि इसी सीक्वेंस में रहेगा, पहले ये, फिर 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 लिर्म, तो ऐसे रहेगा पूरा का पूरा, लाइन पे जाके देख लो। चलो, तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे, तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, तो फाइलम कॉर्डेटा एग्जैक्टली क्या चीज है, तो फाइलम कॉर्डेटा इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे, अब हमारी हड्डी देखो कितनी मजबूत होती है, मार दो हड्डी निकाल के तो टकला फट जाएगा किसी का भी, बट फाइलम कॉर्डेटा के पास जो हड्डी होती है वो कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस हड्डी का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, कार्टिलेजिनस का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड का मतलब है सॉफ्ट बोन, कार्टिलेजिनस का मतलब सॉफ्ट बोन। लीस्ट इज अर्ली एम्ब्रायोनिक लाइफ, तो ये जब शुरू शुरू में इनकी बॉडी पैदा हो रही होती है मदर के वॉम्ब में, मदर के वॉम्ब में, ठीक है, तो ये एम्ब्रायोनिक लाइफ में यहाँ पे कार्टिलेजिनस बोन्स होती है इनमें। फेरेंजियल गिल्स स्लिट प्रेजेंट रहेगी क्योंकि ये कॉर्डेट है, और कॉर्डेट वाला पूरा पॉइंट लिख डालो कि हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, बैकबोन दैट इज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट कार्टिलेजिनस इन नेचर, सब लिख डालो। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफलो एंड वर्टिब्रेटा, एंड देन फिर वर्टिब्रेटा का वो पूरा पार्ट थे नेथोस्टोमेटा अग्नेथोस्टोमेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स, तो इन दोनों को
मिला करके हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स कहेंगे, नाम है याद कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। चलो अब पहला हम पढ़ेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ने चल दिए। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है हार्डमेनिया, सैल्पा एंड डॉलियोलम। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल याद रखो। दीज आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स और एसिडियंस। दे आर एसिडियंस मतलब एस्केलमिंथस जैसा कुछ दिखते हैं ये, एस्केरियंथस या फिर एस्केलमिंथस जैसा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, ट्यूनिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, पानी में रहते हैं, इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है। बॉडी सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय टेस्ट एंड ट्यूनिक। तो टेस्ट एंड ट्यूनिक दो चीज़ें होती हैं, नाम है, जैसे हमारे हाथ में हाथ पैर नाक कान ही होता है, वैसा इनकी बॉडी में टेस्ट और ट्यूनिक है। अब वो देखने के बाद पता चलेगा, मैंने भी रियल में कभी देखा नहीं इन एनिमल को, बहुत से रेयर होते हैं। विच इज मेडअप ऑफ ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन एक प्रोटीन का नाम है जिसकी हेल्प से टेस्ट एंड ट्यूनिक बनता है, दो लेयर होती है, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ लो, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट रहेगा इनकी बॉडी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, मेटामॉर्फोसिस मतलब बाहर के स्ट्रक्चर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे इस बात को समझना है। तो एसिडिया एग्जाम्पल और हार्डमेनिया इज दी बोथ आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सब फाइलम कॉर्डेटा। नाउ सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा की चलो बात करते हैं। तो सेफलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, ब्रोंकियोस्टोमेटा और एम्फियोक्सस और लैंसिलेट। तो लैंसिलेट और एम्फियोक्सस एग्जाम्पल बेस्ट है, टेंथ में भी था। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर कॉल्ड लैंसिलेट्स विच आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स, रेयरली एक्सीड्स 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो 5 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं ये। लैंसिलेट्स पार्टली लिव बरीड सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स, पानी में रहने वाला एक सॉफ्ट एनिमल है। और ब्लड इज विदाउट पिगमेंट, इनके खून का कोई कलर नहीं होता, तो ये समझना। मायोटोम का मतलब होता है मसल ब्लॉक्स, इनकी बॉडी में मसल्स के छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं, ऐसे ऐसे एक ब्लॉक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक। तो मायोटोम्स इन ब्लॉक्स को, मसल्स के इन ब्लॉक्स को मायोटोम कहते हैं, मायोटोम्स। तो इनमें मायोटोम्स प्रेजेंट होता है, तो इस बात को समझ के रखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वाली वीडियो जब आएगी ना, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा धमाका, और उसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट तरीके से पूरा का पूरा ये वर्टिब्रेटा के बारे में। तो यूरोकॉर्डेटा सेफलोकॉर्डेटा की इन्फॉर्मेशन उतना ही जो बुक में दिया वही याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। फाइलम कॉर्डेटा का कोई ट्रिक अपने पास नहीं है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आते भी हैं, वहां से भी आते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा ये हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में, तीसरी वीडियो में, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्टिब्रेटा का हम तीनों पार्ट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा, ठीक है। सो टेंशन मत लो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। आप सब देख रहे थे हमारा प्यारा सा YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा, दैट इज NI, ठीक है। और माय नेम इज प्रशांत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे Instagram में यहाँ पे फॉलो कर सकती हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे ऐसे ही किसी प्यारे से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।